गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रणव। गुड मॉर्निंग निशांक। गुड मॉर्निंग साक्षी। हाँ जी, क्या करने वाले हैं आज हम लोग? गुड मॉर्निंग वंश। गुड मॉर्निंग आदित्य, अंजलि, लेजर। बिल्कुल, आज हम लेजर स्टार्ट करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग देवम। चलिए, जब तक सम्मानजनक जनता आ जाए आप लोग मेरे को। गुड मॉर्निंग भैया। कैश से रिलेटेड कुछ जर्नल एंट्रीज लिखवा दीजिए। गुड मॉर्निंग नंदनी। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। चलिए, कैश से रिलेटेड कुछ जर्नल एंट्री जो आपको इनिशियली याद आ रही हो। एक फर्स्ट तो मैं बता देता हूँ, जैसे कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री तो बोल गई, बिल्कुल अंजलि सही है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। चलिए, इसके अलावा और कोई एंट्री? नरेंद्र बोल रहे गुड्स परचेज फॉर कैश। बिल्कुल ठीक है, हमने कुछ गुड्स परचेज कर ली कैश में, एंट्री बनेगी purchases account debit to cash account। ठीक है, चलिए। आकाश बोल रहे हैं फर्नीचर हमने परचेज कर लिया कैश में, वो भी ठीक है, ये 50,000 का कर लेते हैं। फिर कैश सेल्स बोल रहे हैं, कैश सेल्स भी बिल्कुल पॉसिबल है, पहले फर्नीचर परचेज कर लेते हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट और टू कैश, ये अमाउंट हो गया सपोज 20,000 का फर्नीचर परचेस किया। गुड मॉर्निंग पिज्जा। लाइफ स्टॉक परचेस किया, बिल्कुल ये भी एंट्री बन सकती है, ये सेल्स फॉर कैश लिखे। नेक्स्ट है गुड सोल्ड इन कैश, या गुड सोल्ड फॉर कैश। गुड मॉर्निंग तस्नीम। गुड मॉर्निंग सौरव। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट।
एक रेंट पे करने की एंट्री पे ले लेता है। नहीं सर, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ कुछ जर्नल एंट्रीज मैंने पूछी इनसे। गुड मॉर्निंग श्रेयंश, कैश से रिलेटेड कुछ एंट्रीज जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट है। आज हम लोग लेजर स्टार्ट करने वाले हैं, अभी किया नहीं है, जब तक आप लोग आ रहे थे तब तक बस हम कुछ जर्नल एंट्रीज लिख रहे हैं। बिल्कुल तुषार, आज दिन में क्लास होगी, आज बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट करवाने वाला हूँ आप लोगों को। आकाश, बिल्कुल हम ओल्ड मशीनरी को सेल आउट भी कर सकते हैं, एंट्री की कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड मशीनरी, उसको मशीनरी लिख सकते हैं, ओल्ड मशीनरी मेंशन करना जरूरी नहीं है। अब रेंट या सैलरी पे कर लेते हैं। चलो ठीक है, वो भी सैलरी, तो हम सैलरी पे कर देते हैं। एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट और टू कैश। ठीक है, और बहुत सारी एंट्रीज बन सकती हैं, लेकिन फिलहाल हमें आज जब लेजर सीखना है तो एक बार के लिए हम इन पांच एंट्री से लेजर बनाने की कोशिश करें। बिल्कुल मेहता जी, रेंट पे करोगे तो एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट। नहीं आकांक्षा, ज्यादा लेट नहीं है आप, जस्ट अभी मैंने सिर्फ पांच जर्नल एंट्रीज लिखी है, जर्नल एंट्रीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज आशीष सर की भी क्लास है, मेरी भी क्लास है आज, ये जो चल रही है ये तो है, इसके अलावा बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी स्टार्ट करेंगे हम 3:00 तीन बजे। थोड़ा सा शेड्यूल आज आप लोगों का टाइट रहेगा, इसलिए अभी वाले लेक्चर से थोड़ा जल्दी फ्री कर दूंगा। अच्छा वंश, आशीष सर की क्लास नहीं है क्या? ओके ओके, तो 3 to 5 नहीं, 3 to 5 तो नहीं होगा, वो रहा इनिशियली फर्स्ट क्लास है, थोड़ा शॉर्ट ही रहेगा, 3 to 4:15 और 4:30 लास्ट। ठीक है आशीष सर वाली क्लास है या नहीं, वो एक बार आप कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, आकांक्षा वीडियो लगभग लगभग सब अपलोड हो रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वीडियो लेक्चर देखोगे तो ज्यादा अच्छा। नोट करने से तुम्हारा क्या होगा, फोकस समझने से हट जाता है, तो फोकस रखो समझने के ऊपर। आज तो है ना क्लास शायद? हाँ बिल्कुल, आज शायद क्लास है, मेरे को ऐसा याद आ रहा है, आशीष सर ने बोला तो आज क्लास लेने वाले हैं। चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं लेजर। लेजर है क्या, पहले तो आपको लेजर के बारे में पता होना चाहिए। शायद सारे लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट देखेंगे ना, आपको दिखेंगे सारे हो चुके हैं, कल तक, कल मॉर्निंग तक के सारे लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। ओके देवम, आशीष सर की आज भी और कल भी होगी। ठीक है चलिए, अब एक काम करते हैं, अब अपन थोड़ा मुद्दे से भटकते जा रहे हैं, बाकी डिस्कशन बाद में भी कर सकते हैं अपन, फिलहाल बात करते हैं लेजर। अब लेजर है क्या, क्यों बनाई जा रही है, पता है किसी को? हाँ जी, लेजर क्या है और क्यों बना रहे हो? सबसे पहले क्या होते हैं आपके बिजनेस में ट्रांजेक्शन, ठीक है, उन ट्रांजेक्शन को सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग का काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है, एक टाइप के ट्रांजेक्शन, एक अकाउंट, तो सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं, रिकॉर्डिंग या तो करेंगे जर्नल में, अगर बिजनेस का लेवल थोड़ा सा छोटा है, ट्रांजेक्शन कम है, तो आप सिर्फ एक जर्नल मेंटेन करेंगे रिकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन अगर बिजनेस का लेवल ज्यादा है, लेवल बड़ा है और ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं आपके,
तो आप क्या करते हैं, जर्नल को सब डिवाइड कर देते हैं कुछ पार्ट में जिन्हें बोलते हैं सब्सट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो उस केस में ट्रांजेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड होंगे सब्सट्रीब्यूट्स में। सब्सट्रीब्यूट्स के टाइप होते हैं लाइक कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, और जो ट्रांजेक्शन इन बुक्स में नहीं जाते हैं वो बचे कुछ ट्रांजेक्शन चले जाते हैं जर्नल प्रॉपर, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग का काम कहाँ हो गया आपका, जर्नल में और सब्सट्रीब्यूट्स में। लेकिन आप जर्नल को देखकर कंक्लूजंस नहीं निकाल सकते, एट ए ग्लांस देख के आप ये नहीं बता सकते कि कौन हमारा डेटर है, कौन हमारा क्रेडिटर है, हमारी एसेट की वैल्यू कितनी है, हमारी लाइब्रेरीज की वैल्यू कितनी है, ये पता नहीं चलता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उस रिकॉर्डिंग से क्लासिफिकेशन के काम पर। क्लासिफिकेशन कहाँ होगा, तो क्लासिफिकेशन होता है लेजर में। जर्नल या सबसे बुक्स आपकी प्राइमरी बुक है, लेजर आपकी प्रिंसिपल बुक, ठीक है। इस प्रिंसिपल बुक में क्या किया जाता है, सिमिलर नेचर के जो अकाउंट होते हैं उनका एक सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। फॉर एग्जांपल राम के साथ हो सकता है आपने 10-10 ट्रांजेक्शन किए, 20 ट्रांजेक्शन किए। जर्नल में देखेंगे तो राम शायद फर्स्ट पेज पे भी था जर्नल के, शायद थर्ड पे भी था, शायद एट पे भी था, शायद टेंथ पे भी था, लेकिन मेरे को कंक्लूजन नहीं मिल रहा उससे कि राम हमारा डेटर है या राम हमारा क्रेडिटर है, उससे हमें कितना अमाउंट लेना है या उससे हमें कितना अमाउंट देना है। तो हम क्या करेंगे, जो राम बहुत अभी अलग अलग जगह पर है जर्नल में, उसको हम एक जगह क्या कर लेंगे, कलेक्ट। तो राम से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है उनका हम क्या कर देंगे, एक लेजर अकाउंट बना। और ऐसा सिर्फ राम के साथ नहीं होगा, सिर्फ सारे अकाउंट जर्नल में जितने अकाउंट आपने इन्वॉल्व किए हैं वेदर इन डेबिट और इन क्रेडिट, वो सब अकाउंट आपको क्या करने पड़ेंगे, लेजर में प्रिपेयर करने, ठीक है। तो लेजर में किस चीज का काम चल रहा है, क्लासिफिकेशन का। थोड़ा बहुत मकसद समझ में आ रहा है हम क्यों बना रहे हैं लेजर, क्या मोटिव है हमारा, वो मोटिव क्लियर हो रहा है लेजर बनाने का। ठीक है, तो ये रही है आपकी वो जर्नल रिकॉर्डिंग। अब इस रिकॉर्डिंग में देखें तो मेरे को बताओ कितने अकाउंट्स का इन्वॉल्वमेंट लग रहा है। सबसे पहला अकाउंट कौन सा है जो आपको दिख रहा है। तो लेजर कभी भी बनानी हो तो हमेशा फर्स्ट एंट्री से स्टार्ट करो। फर्स्ट एंट्री में डेबिट क्या है, वो डेबिट वाला आइटम उठाओ सबसे पहले। तो सबसे पहले मेरे को दिखा कैश, दैट मीन मेरे को समझ में आ गया लेजर में मेरे को एक तो कैश का अकाउंट सेपरेटली प्रिपेयर करना है, ठीक है, कैश अकाउंट बना देंगे। दूसरा अकाउंट दिख रहा है मेरे को, वीजा बोल रहे हैं 6 अकाउंट है, बिल्कुल हो सकता है 6 अकाउंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमें बनाना पड़ेगा एक कैपिटल अकाउंट, तो एक कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। थर्ड चलते हैं तो थर्ड में मेरे को दिख रहा है परचेज अकाउंट, तो नेक्स्ट अकाउंट बनेगा परचेजेस अकाउंट। फिर मेरे को अगेन कैश दिख रहा है, एक बार कैश दिख गया तो कैश बार बार बनाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट मेरे को दिखा फर्नीचर अकाउंट, तो अगला अकाउंट जाएगा फर्नीचर अकाउंट। अगेन मेरे को कैश दिखा, कैश बन चुका है, अगेन कैश दिखा बन चुका है। देन मेरे को दिखा एक सेल्स अकाउंट, तो अगला अकाउंट बन जाएगा सेल्स अकाउंट। और उसके बाद मेरे को लास्ट दिख रहा है सैलरी अकाउंट, तो बिल्कुल फिजा है यहाँ पर 6 अकाउंट बन चुके। तो लेजर में मेरे को ये 6 अकाउंट मेंटेन करने, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, फर्नीचर, सेल्स और सैलरी। जब लेजर आपका बन के तैयार हो जाएगा तो लेजर के बैलेंसेस के बेसिस पे हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, दैट इज ट्रायल बैलेंस। और जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो ट्रायल बैलेंस आपकी हेल्प करता है आपके फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने, ठीक है। चलिए सबसे पहले बना लेते हैं कैश अकाउंट। सबसे बोरिंग काम यही है, रीजन टाइम बहुत वेस्ट होता है यहाँ पर, बार बार फॉर्मेट बनाने पड़ते हैं आपको। किसी भी अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड को हम नाम देते हैं डेबिट साइड और राइट हैंड साइड को नाम देते हैं हम क्रेडिट साइड,
ठीक है। फॉर्मेट में क्या क्या है, तो पहला तो एक कॉलम रहेगा आपका डेट का, नेक्स्ट कॉलम रहता है आपका पर्टिकुलर्स का, नेक्स्ट रहेगा जेएफ जर्नल फोलियो। ये एंट्री हम कहां से ट्रांसफर कर रहे हैं? ऋषभ गुड मॉर्निंग, कोई बात नहीं ऋषभ, अभी जस्ट लेजर स्टार्ट नहीं हुआ, सिर्फ एक फॉर्मेट बताया, कुछ एंट्रीज बनाई है हम लोगों ने, फॉर्मेट बना रहा हूँ, अभी पोस्टिंग कैसे करना है वो प्रोसेसर अभी स्टार्ट होगा तो ज्यादा अपडेट नहीं। हाँ जी, तो डेट आ गया, पर्टिकुलर आ गया, जेएफ, जेएफ का मतलब हो गया आप ये पोस्टिंग जो कर रहे हैं लेजर में, जो ट्रांसफर कर रहे हैं कहाँ से कर रहे हैं? जर्नल से। तो जर्नल की कौन से पेज से ट्रांसफर कर रहे हैं? सपोज राम की एंट्री जो थी एक तो पहले पेज पे थी, तो यहाँ पेज नंबर आएगा फर्स्ट। सेकेंड एंट्री कर रहे हैं वो आपके फिफ्थ पर है, तो पेज नंबर आ जाएगा। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको ब्लैंक ही रखना होता है क्योंकि आपके पास पेज नंबर नहीं है। गुड मॉर्निंग सेजर। तो डेट पर्टिकुलर जेएफ एंड देन उनका अमाउंट, अगेन डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। तो ये इस तरीके से आपका एक फॉर्मेट रहता है किसका, आनंदी एलएफ भी होता है एलएफ। अच्छा आप कह रहे हैं एलएफ होता है, नहीं बिल्कुल नहीं। जब आप जर्नल बनाते हैं तो जर्नल में लेजर का पेज नंबर लिखा जाता है, इसलिए जर्नल में क्या लिखते हैं एलएफ लिखते हैं, लेजर फोलियो, कि जर्नल की एंट्री लेजर में कौन से पेज पे है। और जब आप लेजर बना रहे हैं तो लेजर में जर्नल से कौन से पेज नंबर से, ये इसलिए जेएफ का पड़ा हुआ है। ठीक है नंदनी, लेजर में लेजर का पेज नंबर नहीं लिखेंगे ना, लेजर में जर्नल का पेज नंबर, जर्नल में लेजर का लिखते हैं। ठीक है, जर्नल ऑलमोस्ट कंप्लीट है, कोई छोटे मोटे ट्रांजेक्शन बच गए होंगे लेकिन मैक्सिमम हमारे सारे कंप्लीट है। चलिए ठीक है, तो लेजर बना रहे हैं, लेजर में हमें 6 अकाउंट बनाने हैं। 6 अकाउंट कैसे डिसाइड किए, ये हमने कुछ 6 एंट्रीज बनाई थी या 5 एंट्रीज थी, उन एंट्री से हमने डिसाइड किया लेजर में कितने अकाउंट ओपन करने हैं, 6 अकाउंट ओपन करने हैं। 6 अकाउंट में सबसे पहले अकाउंट कौन सा हो गया, कैश अकाउंट हो गया। ठीक है, लेजर में कभी भी पोस्टिंग करते हैं डेबिट साइड पे तो एक वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज टू। ठीक है, और क्रेडिट में कभी भी लिखते हैं तो क्रेडिट में वर्ड यूज किया जाता है क्या, बाय। तो सबसे पहले टू और बाय डिसाइड कर लिए, डेबिट में लिखते हैं टू, क्रेडिट में लिखते हैं बाय। ठीक है, अब क्या करना है आपको, एंट्री देखनी, अभी तो एंट्री देख के करो, बाद में एंट्री आपको अगर जर्नल आपकी स्ट्रांग हो जाती है तो जर्नल को आपको बस एक बार माइंड में सोच लेके आनी कि एंट्री बन रही है और देन डायरेक्ट पोस्टिंग। ठीक है, पहली एंट्री भी चलते हैं अभी, क्योंकि मैं कैश अकाउंट बना रहा हूँ तो मेरी सारी एंट्रीज में कैश पे फोकस रहेगा। ठीक है, फर्स्ट एंट्री में कैश डेबिट है या क्रेडिट है, फर्स्ट एंट्री में कैश डेबिट है या क्रेडिट है, बिल्कुल डेबिट है। तो आपकी पोस्टिंग जब आप कैश अकाउंट में करेंगे तो डेबिट साइड पर ही करें, और नाम किसका लिख देंगे जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो आप यहां लिखने वाले हैं टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट है शायद 5 लाख, तो यहाँ आ जाएगा आपका 5 लाख रुपीज। तो क्या रूल रहा उसका, जो अकाउंट बना रहे हो कौन सा अकाउंट बना रहे हो, हम बना रहे हैं कैश अकाउंट, वो एंट्री में अगर डेबिट है तो पोस्टिंग भी डेबिट साइड होगी। जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करने की प्रोसीजर को बोला जाता है पोस्टिंग करना, तो जो अकाउंट बना रहे हो अगर वो एंट्री में डेबिट है तो पोस्टिंग डेबिट साइड होगी, अगर वो अकाउंट एंट्री में क्रेडिट है तो पोस्टिंग क्रेडिट साइड। जब आप डेबिट साइड पोस्ट कर रहे हो तो डेबिट साइड पोस्ट करके नाम क्रेडिट वाले का लिखेंगे, अभी जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर टू कैपिटल, जो भी डेट होगी वो डेट यहाँ आ जाएगी, टू कैपिटल 5 लाख रुपीज। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं, पहली एंट्री। सेकेंड एंट्री में फिर से मेरे को कैश का इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है, कैश कहाँ नजर आ रहा है सेकेंड एंट्री में, डेबिट और क्रेडिट, बिल्कुल अंजलि परफेक्ट है, कैश क्रेडिट में है। पोस्टिंग कहाँ होगी, कौन से साइड होगी, बिल्कुल क्रेडिट दिख रहा है।
वंश बिल्कुल क्रेडिट दिख रहा है, तो पोस्टिंग कहाँ होगी? क्रेडिट साइड होगी, क्रेडिट साइड होगी, लेकिन नाम किसका लिखेंगे जो अकाउंट डेबिट हो रहा है? परफेक्ट है मेहता जी, एंट्री बनेगी बाय परचेज 50,000, बाय परचेज। बिल्कुल आकांक्षा, क्रेडिट साइड में लिख देंगे हम बाय परचेज, ठीक है। सेकंड एंट्री के लिए सर पोस्टिंग होगी, वेरी गुड, आगे कंटिन्यू करते हैं। थर्ड एंट्री देखिए, थर्ड एंट्री में फिर कैश का इन्वॉल्वमेंट। अभी मैंने सारे ट्रांजेक्शन ऐसे लिए जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा, क्वेश्चन में आपके पास ऐसा नहीं होगा कि हर ट्रांजेक्शन में आपको कैश नजर आए। बिल्कुल रिप्लाई आने चालू हो गए, बाय फर्नीचर, बिल्कुल ठीक है। कैश क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में लिख देंगे किसका नाम, डेबिट वाले का नाम, बाय फर्नीचर 20,000। ठीक है, तो सबसे पहले क्या डिसाइड करना होता है कि जो अकाउंट बना रहे हैं वो डेबिट है, तो डेबिट साइड पोस्ट करेंगे, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, क्रेडिट वाले का। और फिर कभी कंफ्यूजन हो तो ये बात सोच लेना, सेम अकाउंट में सेम अकाउंट का नाम नहीं लिखा जाता, आप कभी भी नहीं लिख सकते कैश अकाउंट में डेबिट साइड कहीं आप यहाँ लिखते हैं टू कैश। ये बड़ी अजीब सी एंट्री बन रही है, क्या एंट्री बन रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या ये पॉसिबल है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट? तो जो अकाउंट आप बना रहे हैं उस अकाउंट में कभी भी उसका नाम नहीं आता है, तो उसमें नाम किसका आएगा, उसमें नाम आएगा जो दूसरा अकाउंट है, ठीक है। ठीक है, शायद फर्नीचर वाला भी कर दिया हूँ, आगे बढ़ते हैं। आगे मेरे को कैश फिर नजर आ रहा है, लेकिन इस बार डेबिट भी नजर आ रहा है, तो आगे सब लोगों को रिप्लाई भी आ गया शायद, टू सेल्स, टू सेल्स 1 लाख, तो आप यहाँ लिख देंगे टू सेल्स रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए लिख दिया, बिल्कुल ठीक है। लास्ट एंड फाइनल फिफ्थ एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश क्रेडिट है तो पोस्टिंग हो जाएगी, क्रेडिट साइड 10,000 रुपीज से, तो लिख देंगे आप बाय सैलरी। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? यहां तो कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट है तो एक बार क्लियर कर लो। चलिए ऑल क्लियर, ठीक है। चलिए एक एंट्री में एक दो एंट्री और इन्वॉल्व करता हूँ, ट्रांजेक्शन दे रहा हूं आप लोगों को, एंट्री बनानी है। ट्रांजेक्शन है कैश रिसीव फ्रॉम राम रुपीज 9,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज 10,000, कैश रिसीव रुपीज 9,000 फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10,000। नहीं निशांक, एंट्री इनकम्प्लीट है आपकी, मेरे को जनरल एंट्री बताओ पहले। रिया बिल्कुल परफेक्ट एंट्री है आपकी, अंजलि बिल्कुल ठीक है, एंट्री परफेक्ट है। कैश आ रहा है, आकाश बिल्कुल आपकी भी एंट्री ठीक है, प्रणव एंट्री गलत है, तजीन एंट्री आपकी कंप्लीट करो, ठीक है। एंट्री वापस से बता देता हूँ, कैश रिसीव रुपीज 9,000 फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10,000, राम से 9,000 रुपीज रिसीव हुए इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10,000, कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए आपने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट विद रुपीज 9,000। देखो आपकी भी एंट्री ठीक लग रही है, बिल्कुल ठीक है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड आप डेबिट कर देंगे विद रुपीज 1,000। डिस्काउंट अलाउड क्यों डेबिट हुआ, डिस्काउंट रिसीव कैसे हो गया प्रणव यहाँ पर, और आप क्या करो, कैश डेबिट भी करो कैश क्रेडिट भी करो प्रणव, कैसे पॉसिबल है? आपको राम से लेने थे 9,000, उसने आपको दिए 10,000 लेने थे, उसने आपको दिए 9,000,
₹1000 का आपने उसको डिस्काउंट दिया है, आपके लिए लॉस है। नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और राम का अकाउंट हो जाएगा कंप्लीट क्लोज विद ₹10,000। पहले तो ये एंट्री आप लोगों को जनरल एंट्री समझ, लेजर तो बात की बात, पहले तो ये बताओ ये सिक्स एंट्री समझ में भी आई या नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के बिल्कुल अलग अलग रिप्लाई आ रहे हैं। बिल्कुल सर, डिस्काउंट अलाउड का अलग अकाउंट होता है, डिस्काउंट रिसीव का अलग होता है, इसलिए मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि डिस्काउंट अलाउड है या डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, ऑल सेट, ऑल क्लियर सर? अगर क्वेश्चन पूरा नहीं सुना इसकी जरूरत होगी, ठीक है कोई बात नहीं, मुझे अभी तो क्लियर है ना। बिल्कुल, कैश जब आता है हमारे पास किसी से जल्दी आ रहा है, क्यों कैश जल्दी आ रहा है, क्योंकि हमने उसको डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड नहीं ना होगा, डिस्काउंट अलाउड ही तो हुआ देते हैं, पैसे आ रहे हैं कैश रिसीव हो रहा है बिल्कुल ठीक है, लेकिन कैश कम आ रहा है, क्यों कम आ रहा है, क्योंकि आपने सामने वाले को क्या दिया है, डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड किया, डिस्काउंट अलाउड किया है तो आपके लिए क्या हो गया, लॉस। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डिस्काउंट रिसीव कब होता है, जब हम किसी को जल्दी कैश पे करते हैं, तो कैश पे करेंगे उस समय कैश जाएगा लेकिन डिस्काउंट आपको मिलेगा, तब आपको कम पेमेंट करना पड़ रहा है, तो आपके लिए डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होता है, बिल्कुल आकांक्षा, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होता है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है। आदित्य समझ में आया, कंफ्यूजन है? आगे चलो, ठीक है। अब ऐसी एंट्री जिसमें एक से ज्यादा डेबिट हो या एक से ज्यादा क्रेडिट हो, तो ऐसी एंट्री को हम नाम देते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। अब इस एंट्री की लेजर पोस्टिंग थोड़ी सी आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, जिन्होंने पहले किया है उनको शायद इतना इश्यू नहीं होगा इस एंट्री के साथ। तो मैं आपको सिंपल सा तरीका, देखो ये जो एंट्री आपको नजर आ रही है, देखा जाए तो इस एंट्री में दो एंट्री का इन्वॉल्वमेंट है, हम इन एंट्रीज को अलग अलग भी बना सकते थे ना। एक तो मेरे पास कैश आ रहा है किससे, राम से, तो पहली एंट्री तो बन रही है कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, तो चलो इस एंट्री को ब्रेक करते हैं। इसकी फर्स्ट एंट्री तो बनेगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। कैश कितना आ रहा है, 9,000 रुपीज और 9,000, तो एक एंट्री तो ये बन गई। दूसरी एंट्री, अगर इस एंट्री को मैं ब्रेक करूंगा, तो दूसरी एंट्री में क्या हो रहा है, मैंने डिस्काउंट दिया है किसको, राम को, तो दूसरी एंट्री क्या बन रही है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, कितने का डिस्काउंट दिया, 1000। एक बार आपने इस एंट्री को ब्रेक कर लिया, फिर इसकी लेजर पोस्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर दो एंट्री है देखा जाए तो, एक है कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 9,000, एक है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अभी हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, फिलहाल हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, फिलहाल हम कैश अकाउंट बना रहे हैं। बिल्कुल किंचुक सही है आकांक्षा, 9,000 बिल्कुल ठीक है कैश अकाउंट। तो जब कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो ये वाली एंट्री में तो कैश का इन्वॉल्वमेंट है, ये तो जरूर जाएगी आपकी कहां पर, कैश अकाउंट, लेकिन इसमें कहीं कैश नजर आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा, तो ये कहां नहीं जाने वाली, कैश अकाउंट में तो नहीं जा रहा, ठीक है। और इस एंट्री की लेजर पोस्टिंग बहुत ईजी है, कैश कहां नजर आ रहा है, डेबिट में, पोस्टिंग कहां होगी डेबिट में, कितने अमाउंट से, 9,000 से, तो आप यहां लिख देंगे टू राम, अमाउंट आ जाएगा कितना, 9,000। लेकिन ये एंट्री आपने कैसे की, ये पोस्टिंग जो आपने की वो कैसे की, आपने एंट्री को क्या किया है, पहले ब्रेक किया दो एंट्री, एक एंट्री अलग बनाई, एक एंट्री अलग बनाई, लेकिन अब आपको डायरेक्ट आना चाहिए। डायरेक्ट का तरीका वापस से बता, कंपाउंड जर्नल एंट्री, आप कौन सा अकाउंट बना रहे हो, आप बना रहे हो कैश अकाउंट, तो क्या रूल बताया था, जो अकाउंट बना रहे हो उसको देखेंगे वो डेबिट है या क्रेडिट है, तो कैश डेबिट है ये तो कन्फर्म हो गया, कैश डेबिट है तो डेबिट साइड पोस्टिंग करें, लेकिन डेबिट साइड नाम किसका लिखे, जो क्रेडिट हो रहा है, कौन क्रेडिट हो रहा है, राम, वही तो लिखा हमने यहाँ पर,
कैश अकाउंट डेबिट टू राम। तो पहले तो लिखना क्या है वो जरूरी। आप बना रहे हैं कैश अकाउंट एंट्री में है डेबिट, तो आप पोस्टिंग करेंगे डेबिट साइड, किसका नाम लिखेंगे जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, एक ही तो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है राम, तो आप क्या लिखेंगे टू राम। बट अमाउंट कौन सा लिखना है, राम के सामने आप देखोगे तो राम के सामने तो आपको 10,000 रुपीज दिखेगा, तो राम वाला अमाउंट पुट नहीं करना है। आप जो अकाउंट बनाते हैं वो अकाउंट वाला नाम, आप कौन सा अकाउंट बना रहे हैं कैश अकाउंट, तो अमाउंट भी जाएगा कैश वाला, दैट इज 9,000, इसलिए हमने यहाँ लिखा है 9,000। ठीक है, मैंने पहले आपको एंट्री को ब्रेक करके पोस्टिंग सिखाई है, लेकिन बहुत टाइम वेस्ट होता है, आपको डायरेक्ट पोस्टिंग करनी आनी चाहिए। डायरेक्ट पोस्टिंग के लिए जो एंट्री बन रही है एंट्री को फोकस करो। सर वो स्पेशल वाली बताओ, जब जर्नल की पोस्टिंग डेबिट और क्रेडिट दोनों हो, निशा उसे कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं हम, और नॉर्मली वो कॉन्ट्रा एंट्री आप सीखेंगे जब आप कैश बुक करेंगे। ठीक है निशांक, वो आएगा आपका डेबिट और क्रेडिट में जब दोनों तरफ आएगा, तो वो होगा आपका जब आप दो अकाउंट एक साथ मेंटेन करते हैं। जब आप पार्टनरशिप पढ़ेंगे, पार्टनरशिप में कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो कैपिटल अकाउंट एक साथ आप मेंटेन कर रहे हैं एबीसी के, तो जब एबीसी दोनों तीनों का इन्वॉल्वमेंट होगा, एक डेबिट होगा बाकी क्रेडिट होगी, तो वो कॉन्ट्रा एंट्री होगी निशांक, वो भी सीखेंगे लेकिन कैश बुक के टाइम। फिलहाल अगेन आते हैं, तो ये जो सिक्स एंट्री मैंने बनाई, उस एंट्री को मैंने देखा, मेरे को नजर आया कि फिलहाल मैं अभी कैश अकाउंट बना रहा हूँ, तो मेरा पूरा फोकस कैश के ऊपर होना चाहिए। कैश कहाँ है डेबिट में, तो डेबिट साइड ही पोस्ट करूंगा, किसका नाम लिखूंगा जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट एक ही अकाउंट हो रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, राम है तो लिख देंगे टू राम। अमाउंट कौन सा जाएगा, तो अमाउंट वो जाएगा जो आप अकाउंट बना रहे हैं, आप कौन सा अकाउंट बना रहे हैं कैश अकाउंट, कैश अमाउंट कितना 9,000, तो आपने यहाँ लिख दिया 9,000। ये वाली एंट्री की लेजर पोस्टिंग समझ में आ गई क्या सब लोगों को, इसमें डिस्काउंट वगैरह मत दिखा देना, गड़बड़ी हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है, चलिए तो एक एंट्री और बनाते हैं, एक सेवंथ एंट्री भी लेते हैं। इस बार कैश पेड रुपीज 4,500, गुड मॉर्निंग मुस्कान, तो सेवंथ में ले रहे हैं हम कैश पेड रुपीज 4,500 टू शाम, कैश पेड रुपीज 4,500 टू शाम इन फुल सेटलमेंट ऑफ 5,000। कैश पेड रुपीज 4,500 टू शाम, शाम को 4,500 रुपए पे किए इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज 5,000, उसको 5,000 पे करने थे। शाम की एंट्री रही शाम टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, बिल्कुल ठीक है रिया, शाम टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। अंजलि की भी एंट्री यही शाम टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। उसका वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, और जो क्लास आपकी चल रही है वो तो अभी मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी हम लोग बहुत जर्नल में टाइम होने लगा है। तो एंट्री क्या हो गई आपकी यहाँ पर, शाम को पे कर रहे हैं, शाम रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, शाम अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल आकाश एंट्री ठीक है। टू कैश आपके जेब से अभी फिलहाल कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश कितना जा रहा है 4,500। शाम को पे कितना करना था, आपको पे करना था 5,000, शाम का अकाउंट कंप्लीट क्लोज होगा 5,000 रुपीज से, और 500 का आपको डिस्काउंट रिसीव हो गया, नॉर्मल अकाउंट है प्रॉफिट है क्रेडिट कर देंगे, तो टू डिस्काउंट रिसीव आ जाएगा आपका विद रुपीज 500। ये बन गई एक एंट्री। इस सेवंथ वाली एंट्री पहले तो समझ में आया कि नहीं है, पहले तो ये बताओ। कोई बात नहीं है मुस्कान, सिंपल लेजर पोस्टिंग है, आती भी होगी आपको, नहीं भी आती तो अभी हम ट्रांजेक्शन कर ही रहे, काफी हद तक क्लियर हुआ है। ये सेवंथ एंट्री समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। चलिए अभी हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं ये बताइए, हम कौन सा अकाउंट अभी मेंटेन कर रहे हैं, बिल्कुल आदित्य अपोजिट है उसका, जस्ट बिल्कुल हम बना रहे हैं कैश अकाउंट,
तो अब पोस्टिंग करनी मेरे को कैश अकाउंट में, बताओ कैश अकाउंट में क्या लिखना चाहिए मेरे को? कैश अकाउंट में क्या लिखना चाहिए मेरे को? क्रेडिट साइड टू कैश। कैश अकाउंट में कैश अकाउंट का नाम नहीं लिखेंगे, शाम लिखेंगे, बाय शाम लिखेंगे, बाय शाम आएगा, बाय शाम आएगा। देखो कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। पोस्टिंग क्या होगी, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड किसका नाम लिखा जाएगा, जो अकाउंट डेबिट हो रहा है। कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, शाम। बट अमाउंट कौन सा लिया जाता है, हम अमाउंट हमेशा वो जो आप अकाउंट बना रहे हो, आप कैश अकाउंट बना रहे हो, इसलिए अमाउंट ऑफ 4500। तो यहाँ आप लिख देंगे बाय शाम, अमाउंट आ जाएगा 4500। तो एंट्रीज हमारी बढ़ गई हैं, पहले हमारी सिर्फ 5 जर्नल एंट्री थी, फिर मैंने 6 और 7 एंट्री का इन्वॉल्वमेंट कर दिया, उससे कैश अकाउंट तो हमने कंप्लीट बना लिया है। लेकिन अब मेरे 2 अकाउंट और बढ़ जाएंगे, डिस्काउंट अलाउड और आम, 2 अकाउंट तो यहाँ बढ़ जाएंगे, और 2 अकाउंट बढ़ जाएंगे मेरे ये वाले, डिस्काउंट रिसीव्ड और शॉप। डिस्काउंट की पोस्टिंग, डिस्काउंट की पोस्टिंग करेंगे ना निखिल, कहाँ करेंगे? अभी देखो मैंने यहाँ आपको जब दोनों एंट्री को ब्रेक किया था, तो एक एंट्री क्या बन रही थी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो रहा, तो बिल्कुल डिस्काउंट की पोस्टिंग होगी, लेकिन कहाँ? राम अकाउंट, राम इस एंट्री का इन्वॉल्वमेंट, डिस्काउंट अलाउड और राम। जब आप डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनाएंगे तब यह है। बिल्कुल मेहता जी, इसका टोटल भी होता है नरेंद्र, अमाउंट हमेशा उस अकाउंट का डालना है जो अकाउंट आप बना रहे हैं। अभी फिलहाल कैश बना रहे, इसलिए मैंने कैश का डाला। मैं जब राम का बनाऊंगा तो राम वाला अमाउंट पुट करूंगा, जब शाम बनाऊंगा तो शाम वाला, जब डिस्काउंट बनाऊंगा तो डिस्काउंट वाला अमाउंट बना रहे। ठीक है, बाकी अभी आगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो जो अकाउंट बन रहे हैं ये हमारे, उसमें अभी 6 अकाउंट थे, 4 अकाउंट और एड होने वाले हैं। ठीक है, चलो अब एंडिंग देते हैं इसकी। कैश अकाउंट में पोस्टिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अगेन पोस्टिंग देख के मैं एट ए ग्लांस ये डिसीजन नहीं ले सकता कि मेरे ऑफिस में कितना कैश बैलेंस है। तो इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपने इस अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा और देन बैलेंस करना। अब क्लोज और बैलेंस करने का तरीका बता देता हूँ। जिस तरीके से आप कभी शॉप पे जाते हैं सामान परचेस करने, प्रणव सर डिस्काउंट अकाउंट, प्रणव अभी जब मैं डिस्काउंट अकाउंट बनाऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा वेट करो। हाँ, तो बात कर रहा हूँ कि जब आप कहीं शॉप पे गए सामान लेने, तो एक आपने वेइंग मशीन देखी होगी, जैसे तराजू भी बोलते हैं, वो एक साइड पे तो क्या रखते हैं, वेट रखते हैं। थैंक यू तुषार, आप क्या करते हैं, एक साइड पे तो क्या करते हैं, वेट रखते हैं, और दूसरी साइड पे क्या करते हैं, सामान उसमें रखना चालू करते हैं। कब तक सामान रखते हैं, जब तक दोनों इक्वल ना हो। ठीक है, मेहता जी ने तो शायद डेबिट क्रेडिट का टोटल भी लगा दिया, वेरी गुड मेहता जी। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें भी दोनों साइड को क्या करना है, इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए पहले बड़ी साइड का टोटल देखो कितना है। तो अंजलि बोल रही है 6,09,000, मेहता जी का भी आया था डेबिट का 6,09,000, बिल्कुल यही है इसका टोटल। तो आपने डेबिट का टोटल लगा दिया 6,09,000, 6,09,000 रुपये आपने दिखा दिया कहाँ पर, डेबिट। अब मेरे को पता है क्रेडिट का इतना टोटल नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे को तो दोनों साइड का टोटल क्या करना है, इक्वल करना है। यहाँ पर आ जाएगा 6,09,000। ठीक है, अब डिफरेंस कितना आ रहा है, चलो वो देख लेते हैं। डेबिट का टोटल तो आ गया आपका 6,09,000 रुपीज, और क्रेडिट का टोटल सब लोग बता रहे हैं शायद कुछ 50-20 हो गया आपका, 70-80-84-500, ये हो गया 84,500। आपको मतलब भी समझ में आना चाहिए, मेहता जी का डिफरेंस आ रहा है 5,24,500, ऐसा मैं मान लेता हूँ यही आ रहा है 5,24,500। भैया का भी यही आ रहा है शायद, बिल्कुल ठीक है। तो 5,24,500, ठीक है।
क्रेडिट में लिखा है, क्रेडिट में कुछ भी लिखते हैं तो क्या टर्म यूज देते हैं, बाय, क्या निकाला है आपने, बैलेंस निकाला है, इसलिए आप लिखेंगे बाय बैलेंस। और अभी फिलहाल आप इस अकाउंट को क्या करें, क्लोज करें, जब भी क्लोज करते हैं तो टर्म यूज किया जाता है सीडी, कैरेट डाउन, क्योंकि अब ये जो बैलेंस है वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस होगा। तो अभी यहाँ पे लिखेंगे सीडी, और जब नेक्स्ट मंथ में हम कैश अकाउंट को वापस से ओपन करेंगे तो लिखेंगे बीडी ब्रॉट डाउन। आदित्य बस ये बाय बैलेंस बीडी नहीं, टू बैलेंस बीडी आए जब ओपन करें। अच्छा, कैश अकाउंट बंद तो चुका है लेकिन मतलब तो समझो उसका, डेबिट का टोटल आ रहा है 6,09,000, रूल क्या था कैश का, डेबिट व्हाट कम्स इन, दैट मींस कैश आपके बिजनेस में टोटल 6,09,000 रुपीस आया है और क्रेडिट व्हाट गोज आउट और 84,400 चला गया, तो आपके पास क्या बैलेंस बचा, ये बचा। मुस्कान, ये कैश अकाउंट चल रहा है अभी, लेकिन आपकी जो कैश बुक होती है वो भी बिल्कुल एज इट इज मेंटेन होती है, बिल्कुल वन एंड द सेम थिंग। तो समझो पहले तो इसको, जुनैद बिल्कुल ठीक है, ये डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट साइड यानी कि रिसीव हुआ 6,09,000, क्रेडिट साइड चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट चला गया 84,500, डिफरेंस आ रहा है 5,24,500 का, दैट मींस आपके ऑफिस में कितना कैश अभी अवेलेबल होना चाहिए, 5,24,500, ठीक है। अब अगर पूछा जाए कैश अकाउंट बैलेंस कौन सा शो कर रहा है, तो जब भी आप कोई अकाउंट बनाते हैं, बिल्कुल देवम अब वो इंटरप्रेट करने बता रहा हूँ आपको कि कैश अकाउंट का कौन सा साइड बढ़ा था, डेबिट साइड, कैश अकाउंट का डेबिट साइड बढ़ा था। तो ये जो 5,24,500 आ रहा है, ये उसका कौन सा बैलेंस आ रहा है, ये उसका डेबिट बैलेंस आ रहा है। 5,24,500 क्या है, कैश अकाउंट डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। तो कोई आपसे पूछे कोई अकाउंट कौन सा बैलेंस शो करता है, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे, अगर उस अकाउंट की डेबिट साइड बढ़ी है तो आप बोलेंगे वो अकाउंट डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, अगर उस अकाउंट की क्रेडिट साइड बढ़ी है तो आप बोलेंगे वो अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो। तो ये हो गया हमारा क्लोज करना। अब नेक्स्ट मंथ जब ओपन करेंगे तो नेक्स्ट मंथ को कैश रिसीव हो रहा है कहां से, प्रीवियस मंथ से रिसीव हो रहा है, तो डेबिट साइड में आएगा, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट है, 5,24,500। तो ये जो करंट मंथ में हम आए, करंट मंथ में आपका स्टार्टिंग क्या हो गया, टू बैलेंस मिली। सर ये बैलेंस क्रेडिट साइड आ रहा है तो डेबिट बैलेंस क्यों बोल रहे हैं, शेयर समझो इस बात को, क्रेडिट साइड तो आपने बैलेंस करने के लिए लिखा है, उसको क्या किया आपने, बैलेंस किया है, जो बड़ी साइड होती है वो बैलेंस बोला जाता है। आपने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, सपोज 10,000 टू कैश 10,000, बस एक पहली एंट्री बनी। अब मैं आपसे पूछूं फर्नीचर अकाउंट कौन सा बैलेंस शो कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर फर्नीचर अकाउंट तो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, कितना 10,000 क्योंकि हमने डेबिट किया। लेकिन अगर मैंने नेक्स्ट एंट्री में उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा दिया और एंट्री बना दी डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर, सपोज 1,000 रुपीज का मैंने क्या कर दिया, डेप्रिसिएशन। अब मैं आपसे पूछूंगा कि फर्नीचर अकाउंट कितना बैलेंस बचा है, तो आप बोलेंगे सर पहले तो 10,000 रुपए का डेबिट बैलेंस शो कर रहा था लेकिन 1,000 रुपए से हमने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट, डेबिट 10,000 से, क्रेडिट 1,000 से, तो नेट बैलेंस कितना आ गया, 9,000, कौन सा डेबिट, बचपन में नहीं करते थे प्लस और माइनस, अगर प्लस का फिगर 10,000 है माइनस का फिगर 1,000 है तो रिमेनिंग कितना आएगा, 9,000, और 9,000 कौन सा आएगा, जो बड़ा है, तो कौन सा बड़ा है, प्लस बड़ा है तो प्लस का 9,000, ऐसे ही यहाँ पर डेबिट का बड़ा है इसलिए डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। आई थिंक सो क्लियर हुई होगी ये बात कि लिखा हमने क्रेडिट में है 5,24,500 उसको बैलेंस करने के लिए, लेकिन साइड कौन सी बढ़ी है, डेबिट साइड बढ़ी है इसलिए वो डेबिट बैलेंस है। क्लोज तो कर दिया, ओपन कहाँ करेंगे, ओपन अगर वो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो डेबिट साइड से स्टार्ट करेंगे, तो ओपन होगा टू बैलेंस ब्रॉट टर्म्स। आई थिंक सो सबको कैश अकाउंट बनाना आ गया होगा, ईजी है शायद,
ठीक है, सिक्वेंस के हिसाब से चलें तो कैश अकाउंट बन चुका है। नेक्स्ट मेरे को कौन सा अकाउंट बनाना है? कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो ये मैंने बनाया कैपिटल अकाउंट। सारे कॉलम नहीं बना रहा, सिर्फ काम का कॉलम बना रहा हूँ, कैपिटल अकाउंट। थैंक यू आदित्य। तो हम बना रहे हैं कौन सा? कैपिटल अकाउंट। सारे कॉलम नहीं बना रहा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ फर्स्ट एंट्री में था, उसके बाद मेरे को कैपिटल अकाउंट कहीं दिखा ही नहीं। और कैपिटल अकाउंट कहाँ नजर आ रहा है? क्रेडिट में नजर आ रहा है। पोस्टिंग बताओ, पोस्टिंग क्या होगी? कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं इस बार हम, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में नजर आ रहा है। जुनैद बोल रहे हैं बाय कैश लिखेंगे, 5 लाख, और बिल्कुल सही बोल रहे हैं जुनैद, बाय कैश 5 लाख। हम बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट एंट्री में क्रेडिट था, क्रेडिट साइड लिखेंगे। नाम किसका लिखेंगे? जो अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट वाले का नाम लिख दिया, बाय कैश 5 लाख। चलिए, इसके अलावा तो कैश से रिलेटेड, कैपिटल से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। बताओ बैलेंस कैसे करूँ, क्या लिखूँ बैलेंस करते वक्त? बैलेंस करते वक्त क्या लिखना चाहिए? टू बैलेंस सीडी, बिल्कुल ठीक है। टू बैलेंस कैरेट डाउन कितना? ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ कैपिटल अकाउंट कौन सा बैलेंस शो कर रहा है? कैपिटल अकाउंट कौन सा बैलेंस शो कर रहा है? बिल्कुल ठीक है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, क्रेडिट साइड बड़ी। तो नेक्स्ट टाइम जब स्टार्ट करेंगे, ओपन करेंगे, तो क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन विद रुपीज 5 लाख। ये बन गया आपका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कोई कंफ्यूजन किसी को? कैपिटल अकाउंट में कोई कंफ्यूजन? नहीं है तान्या, ठीक है, बिल्कुल देवम, ये पेबल है, बिल्कुल, ये लायबिलिटी है अल्टीमेटली। किसके लिए? बिजनेस के लिए। क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है तो क्रेडिट बैलेंस या तो इनकम होते हैं या लाइबिलिटीज होते हैं। तो कैपिटल हमारे लिए कैसे ऑब्लिगेशन है बिजनेस, तो बिजनेसमैन को रिटर्न करना है, ठीक है। ठीक है, कैश अकाउंट बन गया है मेरा, कैपिटल अकाउंट बन चुका है। नेक्स्ट थर्ड, परचेज अकाउंट। परचेजेस अकाउंट, परचेज अकाउंट भी अगर मैं एंट्री में देखूंगा तो परचेज अकाउंट मेरे को जो दिख रहा है, परचेज अकाउंट सिर्फ सेकंड एंट्री में दिख रहा है, उसके बाद परचेज नहीं दिख रहा है। कितने का? 50,000 का परचेज किया है। परचेज डेबिट में था तो डेबिट में लिख देंगे क्या? टू कैश। अमाउंट कितना लिख देंगे? शायद 50,000 है तो 50,000 लिख लेते हैं वापस। बिल्कुल 50,000 का परचेज। एंट्री कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट था, इसलिए डेबिट साइड लिख दिया टू कैश। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या? पहले तो बताओ, क्योंकि हमें बहुत एक इंपॉर्टेंट लॉजिक के ऊपर जाने वाला। ये लेजर पोस्टिंग समझ में आ गई क्या आप लोगों को? ठीक है, अब बहुत ढंग से समझ लो। मुझे बताओ ये कैश अकाउंट कौन से नेचर का अकाउंट है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? कैश अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है? बिल्कुल ठीक है, योग्य, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या आती है? एसेट्स आती है। ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ ओपनिंग एंट्री में भी कि एसेट्स कभी भी नेगेटिव बैलेंस शो नहीं कर सकती। आप नहीं बोल सकते -10,000 कैश है, -20,000 फर्नीचर है, -50,000 की बिल्डिंग, नहीं बोल सकते। तो रियल अकाउंट के लिए माइंडसेट रखो, हमेशा ये डेबिट बैलेंस ही शो करेंगे, इनकी डेबिट साइड ही बढ़ जाएगी, ऐसे ही बैलेंस लिखेंगे, बाय बैलेंस डी, और ओपन हमेशा टू बैलेंस बी सी होगा। ओपनिंग एंट्री में बताया भी था मैंने आप लोगों को, बिल्कुल मुस्कान, यही रूल था, डेबिट वॉट कौन सी क्रेडिट वॉट कौन सी। तो रियल अकाउंट के बारे में मैंने आपको ओपनिंग एंट्री में भी बताया था कि ओपनिंग एंट्री में हम सभी एसेट्स को डेबिट करेंगे। रीजन क्या बताया था? क्योंकि एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस शो करती हैं। ये आपका अभी जीता जाता आपके सामने का एग्जांपल है। एसेट कभी भी क्रेडिट बैलेंस शो नहीं करे। तो रियल अकाउंट जब आप लेजर में बना रहे हैं
सर कोई क्वेश्चन नहीं था, हमने ही कुछ जर्नल एंट्रीज बनाई थी उसका, ये रही वो जर्नल एंट्रीज कुछ। नहीं आकांक्षा, बस मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, आप परचेज अकाउंट में क्या नहीं लिखेंगे, टू बैलेंस शीट नहीं लिखेंगे, उसी के लॉजिक पे जा रहा हूँ, समझते जाओ। पहला अकाउंट बनाया आपने कैश अकाउंट, कैश कौन सा अकाउंट था, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट आपको क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। आदित्य जब आप सेल करोगे तो क्रेडिट करोगे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कितने से क्रेडिट कर सकते हो? आपने अगर 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा है तो आप 1 लाख से ज्यादा फर्नीचर को क्रेडिट नहीं कर सकते। ये बात मैंने आप लोगों को जर्नल के टाइम पे बहुत अच्छे से ओपनिंग एंट्री के टाइम पे भी क्लियर कराया था। आकांक्षा भी जाऊंगा तो समझ में आएगा। निशांक आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ पीएनएल में जाएंगे वो थोड़ा सा गलत है, ट्रेडिंग अकाउंट भी बनता है। तो आप लोग मेरे को थोड़ा सा शायद मुद्दे से भटका रहे हैं, टॉपिक पे आता हूँ। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में क्या होता है, एसेट्स आते हैं, एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस शो करेंगे। अब मेरे को एक चीज बताओ, आपके हिसाब से ये जो कैश है हमारे पास बचा है 522,500, मान लो ये है हमारा करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस, तो ये कैश मेरा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर होगा या नहीं होगा? ये कैश मेरा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर होगा या नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। एसेट है, छोड़ थोड़ी देंगे इसको, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो एसेट है नहीं आपके लिए कैश, एसेट है तो फाइनल अकाउंट के बारे में जिनको आइडिया है एक बार तो मैं उनको समझा रहा हूँ, और बाकी लोग एक बार सुनने की कोशिश कीजिएगा, समझने की ट्राई कीजिएगा, अदरवाइज ये फाइनल अकाउंट बनाते हो और अच्छे से क्लियर हो। हम फाइनल अकाउंट में 3 चीजें बनाते हैं, ईयर एंड में बनता है आपका फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक बनता है उसमें ट्रेडिंग अकाउंट, नेक्स्ट बनता है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक थर्ड चीज बनती दैट इज बैलेंस शीट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में आप बिजनेस के एक्सपेंस और इनकम शो करते हैं, पीएनएल अकाउंट में भी सेम एक्सपेंस और इनकम जाते हैं, और बैलेंस शीट में दिखाई जाती है बिजनेस की एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो पहले तो सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के कॉमन सेंस से, जो कैश है वो कहां जाना चाहिए, कैश ट्रेडिंग अकाउंट में जाना चाहिए, पीएनएल अकाउंट में जाना चाहिए या बैलेंस शीट में जाना चाहिए? बैलेंस शीट में एसेट साइड जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक, बैलेंस शीट में एसेट साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो इसीलिए तो इसका बैलेंस निकाला आपने, क्योंकि आपको पता है ये बैलेंस आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, लेके जाना है अगले साल, एसेट साइड दिखा देंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक चीज सबूत, क्या इस साल के एक्सपेंस आप नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करते हैं? क्या इस साल के एक्सपेंस आप नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। ये एक्सपेंस ये इनकम हम क्या कर देते हैं, टोटल इनकम फाइंड आउट करते हैं, टोटल एक्सपेंस फाइंड आउट करते हैं, उन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं और डिसीजन लेते हैं कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो जितने भी एक्सपेंस या इनकम होते हैं वो इसी साल करंट ईयर में या तो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होकर क्लोज हो जाते हैं या पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर होकर क्लोज हो जाते हैं, या तो ट्रेडिंग में ट्रांसफर होकर क्लोज होते हैं या पीएनएल में। इस साल के एक्सपेंस और इनकम नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर नहीं होते हैं, वो बैलेंस शीट में नहीं जा सकते। इसीलिए आपको ये बताया था मैंने पहले भी कि ट्रेडिंग और पीएनएल में क्या जाता है, ट्रेडिंग और पीएनएल में जाते हैं सभी नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट ही तो थे एक्सपेंस और इनकम, बिल्कुल। जो है जो नेट प्रॉफिट या लॉस होता है वो जरूर हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, ओनर के अकाउंट। प्रॉफिट होता है तो प्लस कर देते हैं, लॉस होता है तो माइनस कर देते हैं। तो देखो अगेन वापस से शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ, एसेट्स बैलेंस शीट में जाएंगे, लाइबिलिटीज बैलेंस शीट में जाएंगे, डेटर बैलेंस शीट में जाएंगे, क्रेडिटर बैलेंस शीट में जाएंगे, लेकिन जो इनकम और एक्सपेंस है वो इसी साल क्लोज हो जाएंगे, कहाँ ट्रांसफर होंगे, इधर इन ट्रेडिंग अकाउंट और इन पीएनएल अकाउंट। अब आपके लिए कंफ्यूजन होगा सर ट्रेडिंग में या पीएनएल, तो उसमें भी कैटेगरी है आपकी, क्या कैटेगरी है, एक्सपेंस के भी टाइप होते हैं। एक्सपेंस के क्या टाइप होते हैं शॉर्ट में लूंगा मैं इसको, अभी ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि सब चीजें फाइनल अकाउंट बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, जिन्होंने पढ़ा हुआ उनको तो अभी क्लियर हो जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा अभी उनको
थोड़ा बहुत समझ में कम आया। एक्सपेंस के दो टाइप होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस जो गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, गुड्स को मैन्युफैक्चर करने से रिलेटेड होते हैं, गुड्स को खरीदने से रिलेटेड, गुड्स को बनाने से रिलेटेड, गुड्स के बनने तक जो भी खर्चे होते हैं वो सब डायरेक्ट एक्सपेंस। और एक बार गुड्स बन चुके हैं तो बनने के बाद जो भी खर्चे होते हैं वो सब कौन से एक्सपेंस होते हैं, वो होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो बताओ गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में, गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में या फिर अगर आप ट्रेडिंग कंसर्न है, ट्रेडिंग कंसर्न क्या करता है, ट्रेडिंग कंसर्न बना बनाया माल खरीदता है और उसको आगे बेचता है। मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है, रॉ मटेरियल खरीदता है, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है, देन उसको बेचता है, ठीक है। तो गुड्स आपके अल्टीमेटली किस कैटेगरी में आते हैं, डायरेक्ट। और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं उन्हें हम शो करते हैं कहाँ पर, कहाँ ट्रांसफर करके क्लोज कर देते हैं, उन्हें हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर देते हैं। जब फाइनल अकाउंट कराऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं डायरेक्ट में, वेजेस कहाँ पे होती है फैक्ट्री में, वेजेस हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, कैरेज इनवर्ड गुड्स को लेके आने का खर्चा हो गया आपका, ठीक है। फैक्ट्री का कोई भी एक्सपेंसेस, बहुत सारे, लेकिन अगेन आज मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा इसके बारे में। आकांक्षा बिल्कुल, ऑल एक्सपेंस बिफोर मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्ट एक्सपेंस हो सकता है, बिल्कुल। गुड्स बनने से, लेकिन वो रिलेटेड भी गुड्स होने चाहिए आकांक्षा, ये भी जरूरी है, रिलेटेड टू गुड्स होने चाहिए, ठीक है। और गुड्स बनने के बाद या ऑफिस के एक्सपेंस, लाइक ऑफिस में आप सैलरी पे करते हैं, ऑफिस का रेंट पे करते हैं, तो ऑफिस एक्सपेंसेस। जिनका प्रोडक्शन से कोई लिंक नहीं है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम कहाँ क्लोज करते हैं, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज करते हैं। तो वापस से आ जाता हूँ मैं, अब बताओ परचेज किस चीज का परचेज है, ये गुड्स का। इसको मैं बैलेंस करके नेक्स्ट ईयर में लेके जाऊं या फिर ये इस साल का एक्सपेंस और ट्रेडिंग पीरियड में ट्रांसफर को क्लोज हो जाए। नेक्स्ट ईयर तो ट्रांसफर कर नहीं सकते, सिंपल सी बात है, एक्सपेंस है करंट ईयर का, करंट ईयर में क्लोज होगा। किस नाम से क्लोज करूं, ट्रेडिंग के नाम से या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, ट्रेडिंग के नाम से क्लोज करूं या पीएनएल अकाउंट के नाम से, बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहां हम जो लिखेंगे, यहां लिखेंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट, अमाउंट कितना 50,000 and 50,000। समझ में आ गया क्या आप लोगों को, ठीक है। तो अल्टीमेटली नॉमिनल अकाउंट ट्रेडिंग या पीएनएल के नाम से आप बैलेंस करेंगे, और पर्सनल अकाउंट होते हैं उनको आप बैलेंस करते हैं, क्योंकि पर्सनल अकाउंट क्या होंगे, इधर डेटर होंगे और क्रेडिटर होंगे। डेटर होंगे तो एसेट होंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएंगे, क्रेडिटर होंगे तो क्रेडिट बैलेंस शो कर रहे होंगे, बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड चले जाएंगे, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट भी बैलेंस शीट में जाते हैं, रियल अकाउंट भी बैलेंस शीट में जाते हैं, लेकिन नॉमिनल अकाउंट बैलेंस शीट में नहीं जाते हैं, वो ट्रेडिंग या पीएनएल में ट्रांसफर होते क्लोज कर दिए जाते हैं, ठीक है। आज के लिए अभी इतना काफी है, बाकी हम आज मिल ही रहे हैं 3 o'clock 3 बजे बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट करेंगे। जर्नल एंट्रीज अब आपको आने लग रही है तो आपको काफी हद तक समझ में आ जाएगा। एक्सपेंस वाला चार्ट वेलकम अंजलि, ओके आकांक्षा विनंत वेलकम, माताजी बाय बाय, सायनारा ओके, किंचित बाय बाय, बाय अंजलि। चलिए जी भाई मिलते हैं 3 बजे, टाइम अभी डिसाइड नहीं हो पाएगा मुस्कान, क्योंकि अभी और भी स्टूडेंट होंगे जो बैच में ज्वाइन करेंगे, तो ये वाला टाइमिंग तो सेम रहेगा आपका, मॉर्निंग चल रहा है अब, इसी टाइम के लिए बोल रहे हैं या बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले टाइम के लिए बोल रहे हैं उसका। बाय कनिका, जर्नल के रिमेनिंग कंसेप्ट मैक्सिमम सब हो चुका है जर्नल 7 AM के टाइम के लिए। बेसिक क्लासेस कब तक चलेंगे, बेसिक क्लासेस यार अब देखो मैं घास नहीं काट सकता यार, मैं इसलिए स्ट्रेच करके पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होते रहे,
कोई टॉपिक आप बोलेंगे शॉर्ट में लेना है तो फिर अपन शॉर्ट में लेते हैं। इंश्योरेंस ऑन लॉस ऑफ गुड्स वाला ठीक है, ये का ट्रांजेक्शन है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा देता हूँ। आकांक्षा सारे अपलोड हो चुके हैं, कल तक जो हुआ था वो सारे हो चुके हैं ठीक है। अच्छा एक बार बताइए, अभी आप लोगों के पास 7 o'clock के अलावा कोई और है? जो अभी अपन 7:15 पे लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, थैंक यू कनिका। हाँ तो मैं ही कह रहा था आप लोगों का अभी जो ये मॉर्निंग में 7:15 चल रहा है, ये इसके अलावा आप लोगों के पास कोई और टाइम मैनेज हो सकता है? अच्छा और टाइम मैनेज क्या हो सकता है, मैं अपना टाइम बता देता हूँ। मैं मॉर्निंग में ले सकता हूँ तो लास्ट 8:30 और 9 जो तो अभी चल ही रहा है शायद, उसको मैं 9 तक स्ट्रेच कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं स्ट्रेच नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा ऑफिस रहता है फिर। और अर्ली मॉर्निंग बोलोगे तो अर्ली मॉर्निंग पॉसिबल है, आप बोलोगे सर इसको 6:30 बजे देना है तो मैं मॉर्निंग पॉसिबल कर सकता हूँ इसको। यही टाइम बेटर है, क्लासेस होते हैं। ठीक है देवम, शॉर्ट में नहीं लेंगे अपन इसको ठीक है। आप लोग थोड़ा सा और इसके ऊपर थॉट लीजिए, थोड़ा सा स्टूडेंट को इश्यू आ रहा है इस टाइम को लेकर, अगर आप लोग मैनेज कर सकते हैं तो अपन इस टाइम को थोड़ा सा ऊपर लेके चल सकते हैं ठीक है। 7:15 की जगह अपन इसको 6:30 6:15 ऐसा कुछ प्लान करना चाहें तो वो कर सकते हैं। हर्ष देखो अभी आपका जर्नल कंप्लीट हुआ है, रिजल्ट चल रहा है, कैश बुक्स सब्सिडी बुक्स फाइनल अकाउंट, एटलीस्ट ये तो मैं करवाना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ये ताकि एक बेसिक थीम जरूर मिल जाए आप लोगों को। कनिका को कोई इशू नहीं है किसी भी टाइम में ठीक है, आज का टाइम लीजिए और मेरे को देन रिप्लाई कीजिएगा आप लोग। हर्ष यही टाइम सही है क्या? उसका एक आध दिन का टाइम तो देखो, बाकी सब लोग थोड़ा सा मैनेज कर ले। नॉमिनल वाला ये रहा कुछ नॉमिनल, बिल्कुल आकांक्षा आज 3 बजे पढ़ाने वाले हैं बिल्स ऑफ एक्शन स्टार्ट करेंगे। जर्नल जिन लोगों को अभी उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्स ऑफ एक्शन ठीक है। चलिए आज के लिए काफी है, बहुत टाइम हो गया ठीक है, आ जाते हैं आप किसी भी टाइम पे कंफर्टेबल है ठीक है। ठीक है करते हैं ट्राई कि अपन सबके लिए थोड़ा सा कुछ बेस्ट हो जाए, किसी को प्रॉब्लम ना आए। चलिए काफी आज के लिए, बाय बाय, मिलते हैं दिन में 3 बजे ठीक है, आ जाते हैं आफ्टर लंच में मिलता है।